सेकंड प्लेस, ठीक है सर, थैंक यू। आप कैसे कैसे, एक मिनट आप मुझे बताओगे? बिल्कुल दिल से आप गाना जो हो। सो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू अवर चैनल फाइट मंजीत व्लॉग्स। तो भाई फेस से आपको पता लग रहा होगा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कल है कंपटीशन और आज है हमारा लोडिंग डे, तो आज हम करने वाले हैं लोड। और क्या क्या मैं लोड करने वाला हूँ वो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आज का सीन ये है कि आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगा ताकि कल तक अच्छी खासी एनर्जी रहे। और जैसे कि देखते नहीं हो आप, एक दिन हम वर्कआउट बंद कर दे तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली अच्छा पंप आता है। तो उस अच्छे पंप के लिए आज हम ना कार्डियो करेंगे ना हम वर्कआउट करेंगे, सीधा अब बैक स्टेज पर मैं आपको कंडीशनिंग दिखाऊंगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई पिछली कॉम्पिटिशन और इस कॉम्पिटिशन में कितना डिफरेंस है फिजिक में, और इस बार काफ़ी तगड़ा करने वाले भाई हम। तो भाई सबसे पहले तो हमने पूरा जो टिफिन था ये भरा हुआ था वाइट राइस का, ये हम ख़त्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट, इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी मील हम क्या लेने वाले हैं। अभी मैं जिम में आया हूँ, थोड़ा सा घर पे टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर जिम में बैठेंगे, बात बात करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे। पानी आज मेरा बंद है ऑलमोस्ट, कल ही मैं स्टार्ट करूँगा जब मेरे को एनर्जी की नीड होगी, जब मैं स्टेज पर चढ़ूँगा। तो गाइज अब आ चुके हैं हम घर पर और यहाँ पर मैं ले आया हूँ अपने दो राइस केक के पैकेट। तो इस एक पैकेट को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। और गर्मी इतनी हो रही भाई, मैं तो अपने एसी चला के आराम से अभी बैठा हूँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है क्योंकि आज थोड़ा पानी भी बंद है और कार लोडिंग है। तो रो का भी अभी हम लोड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ना पानी लिक्विड कुछ ज़्यादा लोड नहीं कर रहे, वो कल कंपटीशन वाला दिन लोड करेंगे ताकि बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी आ जाए, अच्छे से पंप आ जाए। तो हाथ पे भी आप वेन देख सकते हो कैसे भी दिख रही है। बाकी आपको कल जो कंडीशन दिखेगी ना आप भी बोलोगे कि भाई सही में मेहनत की है आपने उस कॉम्पिटिशन के एक हफ्ते के बाद ढंग से। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैं सो गया था एंड बड़ी मुश्किल से तो मेरे को नींद आई थी, नींद भी जाती नहीं है, पेट बिल्कुल ही यू नो चुस्ता रहता है, चुस्ता रहता है, जब पानी बंद कर देते प्रॉब्लम होती है। फिर कल्पना का फ़ोन आया कि आ जाओ कहीं चलना है, कहाँ चलना है, बोल रही है कुछ काम है आ जाओ। तो उसको लेने जा रहे हैं, उससे पूछते हैं काम क्या है। गाड़ी में घुसते इतनी गंदी हीट, गाइस आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी कभी गाड़ी में बैठो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट में रहती है तो अंदर से पूरा जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, चारों विंडो खोल देनी है, उसके बाद जो अपने एसी है उसको फुल कर देना है और 5 मिनट तक आपने ऐसे बैठना, गाड़ी को स्टार्ट ज़रूर कर लेना, स्टार्ट करके 5 मिनट ऐसे छोड़ देना है, पूरी की पूरी जब गाड़ी है फिर ठंडी हो जाएगी। मैडम आ गई है, नितिन जा रहा है घर, वो बोला मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जा जाना है वहाँ जाओ पर मैं नहीं जा रहा। वो कहाँ लेके जा रही है मुझे, कहाँ लेके जा रही है? होटल में बुलाया है। होटल में बुलाया है, जाओ फिर तुम, मैं क्यों जा रहा हूँ? तो उतर जाओ, जाओ फिर मैं जाती हूँ गाड़ी लेके, जो तुम जाओ वहाँ होटल में। मैं थका हुआ था, पता है खाएंगे बर्गर वगैरह खाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी आनी स्टार्ट होगी क्योंकि अभी सिर्फ घर पे खा रहे थे, सो रहे थे, पता ही लग रहा था थोड़ा चले और कैलोरीज बन गई तो पता लगा। तो भाई वहाँ से आने के बाद अब हम खा रहे हैं बर्गर, ये सब कल्पना खाएगी, मैं सिर्फ 2 बर्गर खाऊंगा एंड उसके बाद फिर घर चल के मैं तो सोऊंगा, मेरे को आगे नींद अब। तो बच्चों के 4 और अब हम घर से निकलने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कॉम्पिटिशन लेट ही होगा, तो उस हिसाब से हम निकल रहे हैं एंड सब यहाँ पे रेडी है। कल्पना रेडी हो गई है, नितिन रेडी हो गया है और जो भी जा रहे हैं वो गाड़ी तक पहुँच गए हैं और मैं भी रेडी हूँ। और एब्स अभी नहीं दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा सीधा जब बैक स्टेज पे जब हम पंप करेंगे। आज मैंने क्लीन करा लिया तो आप बता सकते हो तुम्हारा भाई क्लीन में कैसा लग रहा है। ठीक है अभी चलते सीधा गाड़ी में। भाई बिल्कुल धूप में खड़ी गाड़ी, मैं तो नहीं बैठ रहा, मैंने बोला कल्पना तू जाके बैठ, एसी चला थोड़ी देर, चारों सीसे खोल के उसके बाद आता हूँ। और भाई ये देखो कंडीशन हाथ से पता लग रही होगी आपको, इस बार मचाने वाले हैं, आज फुल तैयार हैं। और ये मेरा छोटा भाई, अगर ये ना हो तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए क्योंकि सारा सवार मैं इसको पकड़ा देता हूँ। और इसके भी डोले मैंने बनवा दिए हैं, डोले सोले बन रहे हैं लोंडे के। तो गाइस 24/7 से हमने पूरा थैला भर लिया है खाने पीने का, तो आराम से हम मस्त लोडिंग करेंगे ताकि हमारी बॉडी पूरी फुलर दिखे स्टेज पर। और ड्राइव हमारे अरुण ये कर रहे हैं, यहाँ पर बैठा है नितिन, यहाँ पर बैठी कल्पना जो कि अपना सामान ले रही है और बांटते जा रही है, खाते हुए जाएंगे मस्त अपने। तो गाइस यहाँ पर अब हमारी आ चुकी है ड्रीम 10, अब पहुंचेंगे अपने लोकेशन पे और करेंगे तैयारी स्टार्ट। भाई कब तक हो जाएगा कॉम्पिटिशन अपना, क्या लगता है? इसे मैं फोन कर रहा, क्या कह रहे हो? बोल रहा हूँ कब तक स्टार्ट हो जाएगा अपना? 6:30 तक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कॉम्पिटिशन गाड़ी आगे जा रही है।
भाई यहाँ पे स्टेज हमारा लग चुका है। अभी पहले जूनियर स्टार्ट होगा, देन उसके बाद छोटी हाइट, उसके बाद हमारी हाइट और पता नहीं बॉडी बिल्डिंग के बीच में डाल सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अब बैक स्टेज आ गए हैं, अभी थोड़ा पम्प करते हैं, टैनिंग होगी और उसके बाद चढ़ेंगे। जीरो सिक्स से आगे आ जाएंगे। जीरो सिक्स एट पीछे चले जाएंगे। दो पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट दे देंगे। पीछे वाले एथलीट आगे आ जाएंगे।
थैंक यू। सेकंड प्लेस एथलीट प्लीज फेस टू जजेस 149 सेकंड प्लेस। ठीक है सर, थैंक यू। आप कैसे कैसे एक मिनट आप मुझे बताओगे सर रीजन आपकी बैक में वाटर होल्डर बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्स ज्यादा है बेस्ट तरीके से हमने बड़े बारीकी से देखा है जहां आपके प्लेसेस थी वो आपको दिए यही रीजन है सर। ऑडियंस अगर बैठेगी तो ऑडियंस ही गेम कर लेगी सर आप किस लिए बैठे हुए हैं ठीक है ना सर ऐसी कर रहे सर कैसे आपके बैक में बहुत वाटर है आप दोनों अपना बैक पोस्ट दे दीजिए आप बैक पोस्ट दे दीजिए बिल्कुल सर दीजिए ठीक है आप देखो करो शो योर फाइबर मसल बैक का फाइबर देखेंगे चलो डन है जजिंग डन है फाइनल डन ठीक है ओके सर ओके 137 ऑडियंस पोल ठीक है थैंक यू सर। आप अच्छे एथलीट हो यार ऐसे हर जगह ये थोड़ी क्या हर जगह वो करेंगे छोटे मसल्स को देखे आप ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए सर तो अच्छे एथलीट हो तो टॉप फाइव में भी नहीं है उन्हें देखो ना इतनी मेहनत करके वो लोग आए यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन है नो डाउट यार। आपसे पहले आपकी कैटेगरी में कितने कितने लोगों को आप बीट करके टाइटल फाइट में हो तो आप ऑलरेडी चैंपियन तो हो ही हो आपको बताइए बहुत बहुत बधाई। जो रनर भी रहे उनको भी दो दो किलो प्रोटीन में अपनी तरफ से दे रहा हूँ तो उसके जो यार मजा आ गया तुम सबको देख के। दिस कैटेगरी रवि सर खाते खाते कर दो ऊपर जाके और कर दो मैं भी स्टेज पर
अरब तो बहुत कम लोग हैं, चैंपियन क्लियर ये सबको पता है, वहां से तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एक बार पीछे हो जाओ, मैं और नजदीक से देख लूं। ऊपर तक बढ़िया, मजा आ गया। आपके भी जजमेंट देखते हैं आज, बिल्कुल दिल से आप जाना जो हो, मैं खड़ा हूँ। चलो बताइए, बहुत बहुत टाइटल विनर, ये ओवरऑल जीत गए नैना तरंगलाई। इस कंपटीशन में फाइनली हमने अपनी पीक हीट करी ली। आप कंडीशन देख के पता लगा ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता देना फिजिक अपनी कैसी लगी है, मेरे गूज बम खड़े हो गए। मज़ा आ गया भाई। बच चुके हैं दो, अभी आए हैं हम खाना खाने। बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला जो खुला हुआ है करोल बाग में, तो सारे अब जाके थोड़ा थोड़ा खाएंगे। क्या हो गया, ये पूछ कौन आया था? मैं पूछ के आया तो कहते सिटिंग के अंदर आके खा सकते हो तुम। वाह भाई, वाह वाह वाह, सही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़े दिनों बाद कैश प्राइज भी मिला है। अच्छा जी, 11,000। अरे वाह, एक गोल्ड के साथ एक गोल्ड फ्री। फ्री तो दोनों मेहनत की है, एक गोल्ड वैसे और एक जैसे कि गोल्ड मारा है मेरी कैटेगरी, मेरी हाइट में। फिर उसके बाद जो छोटी हाइट होती है ना, उसके बाद और छोटी होती है, सारी एक साथ जो 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 कैटेगरी में गोल्ड आए, फिर उनका मेन होता है गोल्ड, गोल्ड में से भी गोल्ड। वेरी गुड, क्या बात है, शेयर होता है ऐसा। लेकिन दो दो गोल्ड पहली बार, एक एक गोल्ड तो भी बोले है, लेकिन दो दो गोल्ड एक साथ में, ओवरऑल टाइटल पहली बार। मैं सो गई थी, मम्मी को उठाएंगे और ट्रॉफियां दिखाएंगे। चलो माता श्री, बस ये लो मेडल पहनो आप। सिर्फ पहले है, लेकिन दो गोल्ड एक साथ। हाँ, टाइटल टाइटल का और एक है। और इनको देखो, इनको एक्साइटेड हो रहे हैं पूरे। तीन बजे नहीं सो पा रहे, 3 बज गए घर पे आते आते आज। बारह को भाई नो जीत कला खुश रहे, बांध के भाई बांध के।